बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मनकेरा एजुकेटर और मैं हूं हसनैन रज़ा। आज एक बहुत ही पुरवकार तकरीब गवर्नमेंट हाई स्कूल मनकेरा में मुनक़द हुई, जिसकी सदारत मोहतरम जनाब सीईओ एजुकेशन भक्कर जनाब तारिक हबीब फ़ारूक़ी साहब ने की। हम अहले मनकेरा जनाब सीईओ साहब के तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने अपना इंतहाई कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारी तकरीब को चार चांद लगाए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कि हमारे सीईओ जनाब तारिक हबीब फारूकी साहब हमारे ज़िले को हेल्प कर रहे हैं और उसमें बतदरीज नहीं बल्कि तेज़ी से बेहतरी आ रही है। और जैसा कि चौहान साहब फरमा रहे थे कि हर इंडिकेटर जो है इंडिकेटर उसमें हम टॉप 10 में हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है। मैं अब सदारती कलमात के लिए दावत इख्तिताम दूंगा इंतहाई मोहतरम जनाब तारिक हबीब फारूकी साहब के वो आयन और सदारती कलमात। मेरे इंतहाई मोहतरम भाई मलिक सैयद मोहम्मद सीना साहब रईस साहब मोहम्मद जालवाला प्रिंट मीडिया और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम असादा ग्राम और रईस मदरसा अस्सलामु अलैकुम। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि दो चीज़ें तरक्की का जामिन होती हैं, एक सियत और एक तालीम। हमारी गवर्नमेंट पंजाब का ये विजन रहा है, मिशन रहा है और इसी दो चीज़ों पर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, सियत और तालीम। सियत को देखें, हमारे हस्पताल तब्दील हो रहे हैं, जदीद मशीनरियाँ उसके अंदर आ रही हैं और गरीबों के लिए जो दूर जाना था अब वो घर के अंदर तमाम सहूलियात मुयसर हो रही है। इसी तरह तालीम के लिए मैं एक स्थान का वासी हूँ, मैं एक देहाती हूँ। जब मैं आठवीं क्लास पास की, मेरा ताल्लुक बेसिकली करोड़ डाली सन का नाम सुना होगा, उस इलाके से है, उसकी एक बस्ती काफी से है और आठवीं के बाद लड़िया के अंदर क्लासेस नामी की होती थी। तो मोहतरम एम पी ए साहब, मैं पैदल जो है घाट से चलता आगे कश्ती का सफ़र करता और फिर लड़िया पहुँचता चंद्रिया ट्रेन। नामी क्लास कश्ती क्लास में थी। आज देखिए आपके घर के अंदर स्कूल है और ऐसे स्कूल नहीं है, वेल फर्निश्ड है, आला क्वालिफाइड स्टाफ है, तमाम जरूरियात स्कूल के अंदर मौजूद हैं। ये किसकी मनोरी जिंदत है? मैं सुनता था, देखता था मनकेरा को, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, दोबारा तहसील में रहा हूँ सर। मैं सुनता था कि मनु गजनपुर अब्बास साहब बड़े वर्ता हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े काम कर रहे हैं। आज आकर मुझे ये मालूम हुआ है कि वाकई ये फ़ख्र खान है। रोड मैंने देखी है, कहीं भी रोड टूटा हुआ नहीं है। आपकी आमदोरफ के लिए उन्होंने आपको आसान कर दिया है, घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाता है। इसके बाद मैंने तालीमी इदारे देखे हैं, तालीमी इदारे भी बहुत बेहतरीन है और इंतहाई मुझे खुशी हो रही है कि ये थर्ड यूनिवर्सिटी का क्याम ये तारीख में पास से लिखा जाएगा और तारीख में नाम मदन भगत पर बात किना साल का होगा। तारीख कभी नहीं भूलती, तारीख अपने मौसम को याद रखती है। जिस तरीके से मदन गगनपुर अब्बास साहब ने आपको दिलचस्पी दी है,
मैंने हैदराबाद फन देखा है, हैदराबाद फन मुझे बहुत बेहतरीन लगा। एक वेल इलाका है, मंगेरा भी उससे कम नहीं है। देखिए ये सारी इस हकूमत की मेहनत है और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन आज के हिस्से में तो पार्लियामेंटेरियन साहब आए हैं और मतलब लखनऊ आवाज साहब ही हैं, इतना काम कर रहे हैं। इसके साथ मैं ये इजाफा करने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, वजीर अला पंजाब शहबाज, वजीर अला पंजाब उस्मान गुलजार साहब, मुराद राज साहब की दिन रात मेहनत से और हमारे सेक्रेटरी तालीम की दिन रात मेहनत से इंसाफ आपका रोड स्कूल का ज्ञान हुआ। मंगेरा के हिस्सा में 45 स्कूल आए जो सबसे तारीफ में एक मकाम है। जब एक स्कूल अपग्रेड होता है तो हम उसकी इंजीनियरिटी लेते हैं, कई जमीन लेते हैं, कई तदाब तोबा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कैसे हमें देना पड़ती है, तब जाके एक प्राइमरी से एलिमेंट्री बनता है, एलिमेंट्री से हाई बनता है। तो इस गवर्नमेंट का बेहतरीन मंसूबा, वजीर अला पंजाब का बेहतरीन मंसूबा और खासकर हमारे पार्लियामेंटेरियन का जिस पे हमारे एम पी ए साहब का हिस्सा है, 45 स्कूल आए हैं, 27 स्कूल फीमेल के हैं और 19 स्कूल मेल के हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही ये पूर्वकार तकरीब हम मुनक्किद करने जा रहे हैं और हैदराबाद जो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है इंशाल्लाह वहाँ ये तकरीब होगी और मैं इन्हीं के हाथों इन स्कूलों का इंतजार करवाऊँगा। ये तालीम दोस्ती है, गरीब के बच्चे घर के अंदर तालीम हासिल करें, इन्हें दूर ना जाना पड़े। चुवारा की तरह मंगेरा भी बहुत पसमांदा है और इस पसमांदगी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आफ्टर नून स्कूल का इजाद किया है, जो बच्चियाँ हमारी छोड़ जाती हैं पांचवी क्लास को, इंशाल्लाह छठी क्लास पढ़ेगी, छठी के बाद फिर आठवीं, आठवीं के बाद इंशाल्लाह एलिमेंट्री से हम हाई लेके जाएंगे और वहाँ ये दसवीं तक तालीम हासिल करेंगी। ये भी मेरी हुकूमत का क्रेडिट है, उन्हीं को जाता है। इस तरह सर इस साल 21-22 में 36 स्कीमें मैंने ADP की मंजूर करवाई है। ये वो स्कीमें हैं जिनमें जिस तरीके से एम पी के साथ हमारे तसीम मंगेरा को 15 स्कूल हमने नए दिए हैं। ये 15 स्कूल नहीं है, ये 15 घर है और ये 15 स्कूल नहीं है, 15 आबादियाँ हैं। मैं ये कहूँगा कि ये 15 मुरब्बे हैं जमीन के जो कि उस इलाके को दे दिए गए हैं। यहाँ दो तीन चार चार सीटें होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह स्कूल एक कमरे का नहीं होगा, अब यह स्कूल 5 कमरे होंगे। ये गवर्नमेंट का क्रेडिट है, पहली गवर्नमेंट ने 2 कमरे दिए, अब इस गवर्नमेंट ने नए नाम के तहत हर न्यू एस्टेब्लिशमेंट को 5 कमरे मुख्तस किए हैं जो कि बनने जा रहे हैं और हर स्कूल में 4 असामियाँ होंगी, 4 घरों की कफालत होगी। ये किरदार भी मेरी हुकूमत को जाता है। इसी तरह मैं गर्मी है, बातें तो करने के लिए मेरे पास बहुत सारा जखीरा है। आपका बखर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में टॉप पे है। सर्वोदय डिवीजन, मैं सर्वोदय डिवीजन से मुकाबला कर रहा हूँ। सर्वोदय डिवीजन में तमाम सहूलियात, सर्वोदय के अंदर तमाम सहूलियात हैं, इसी तरीके से अफ्तिहार के अंदर तमाम सहूलियात हैं। मेरा बखर जिस तरीके से ये इलाका है, जिस तरीके से हम लोग हैं, हम पसमानदा लोग हैं, लेकिन मैंने सर्वोदय का मुकाबला किया है और सर्वोदय से भी हम आगे चले गए हैं। पूरे पंजाब में इस वक्त हम टॉप 10 के अंदर मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम इसको नीचे नहीं जाने देंगे। अब थोड़ी सी मेरी गुजारिश है सर, जब इतना हमने आपको दे दिया है, इतना इस गवर्नमेंट ने आपको दे दिया है, अब आप
में जिस तरीके से एमपीए साहब फरमा रहे थे कि दोहरे नायाब पैदा करने चाहिए, बस ये ना हो कि गरीब का बच्चा स्कूल में आए और बगैर पढ़े चला जाए, ये नहीं होगा। गरीब के बच्चे को स्कूल के अंदर दिखाए, दो तीन फैसिलिटीज दी हुई है, वैसा पढ़ाए और ओनरशिप का दर्द है। सबसे बड़ी बात सर, ओनरशिप का पैदा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरे एक भाई में, मेरे एक टीचर में, मेरे एक हेड में, जब मुझ में जब तक ओनरशिप नहीं होगी, हम काम नहीं कर सकते। मैं यहाँ इस फोरम पे ये बात करना मुनासिब समझूंगा, मैं सुबह सवेरे काम पे निकलता हूँ, रात को मुबारक नहीं मेरा 11-12 से पहले नहीं सोता हूँ, और ये तमाम मसाइल आपके होते हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए मैं खराबा दस्ते का काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह तमाम आपके जैक मकूल नमाज को देंगे और हम आपसे फिर फ्राइज लेंगे जो आपके फ्राइज हैं, और फ्राइज में आपका हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाना है। किसी फोरम पे मुझे दरखास्त दी गई है कि इस स्कूल में सेंट्रल स्टैंड नहीं है, मैं गुजारिश करूँ तो आपने उनके हिसाब से इंशाल्लाह हम इसकी फिजिबिलिटी आपको देंगे, तो इस स्कूल का आपके फर्क होगा, आपका हिस्सा होगा, आपका घर है, मेरा भी घर है। जो बंदा किसी इलाके से तनख्वाह लेते हैं आपका घर हो जाता है, मेरा भी घर है। आप मेरी भी सिफारिश शामिल है तो इस स्कूल को स्कूल स्टैंड दीजिए सर। अभी बात हो रही थी क्लासरूम की, मैंने भी बात की है एमपीए साहब के, मेरे पास 2-3 कमरे बचे पड़े हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस स्कूल को 2-3 कमरे इजाफी दे दूँ। इसके अलावा मैंने गुजारिश की है रास्ते में एमपीए साहब से कि मेरे डिप्टी डीओ दोनों मेल और फीमेल ये दफातर नहीं है, ये कभी यहाँ बैठते हैं कभी वहाँ बैठते हैं, ये दर बदर ये जा रहे होते हैं। तो एजुकेशन कम्प्लेक्स तहसील एजुकेशन कम्प्लेक्स दिया जाए, प्रपोज किया जाए, प्रपोज कर दें, हम मेहनत करेंगे, हम आपको फिजिबिलिटी देंगे, अगली एडीपी स्कीम में आप हमें दे दीजिए सर। इसके साथ ही मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ, इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने मेरे साथ के साथ टाइम गुजारा और हमें रौनक तहसील बसरा सर।